दोस्तों आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुई है नमिता किचलू जी, एंड थैंक यू सो मच टू अमृत देशमुख फॉर इंट्रोड्यूसिंग अस टू नमिता मैडम। नमिता मैडम से हमारा परिचय कराने के लिए अमृत देशमुख को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और आज का टॉपिक सेफगार्डिंग अवर सोल, ए जर्नी टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ हिंदी, हमारी अंतरात्मा की रक्षा, हिंदी की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की यात्रा के बारे में बात करने से पहले अपनी मेहमान नमिता जी के दिमाग में गुदगुदी कर दे। नमिता जी, मैं यूं ही बिना कुछ खास सोचे एक शब्द कहूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे बताइए, आप ज्यादा मत सोचना। अगर आप तैयार है तो हम शुरू करेंगे। बिल्कुल मैं तैयार हूँ, आप गुदगुदी करेंगे तो तुरंत जवाब देना ही पड़ेगा ना नवीन जी। सही है। और पहला शब्द है कि फ्यूचर, भविष्य, खुशनुमा, ड्रीम, सपना। हिंदी को उसकी जगह मिलनी चाहिए जो जिस जगह की वो हकदार है। एब्सोल्युटली। मेरा मिशन भी यही है, लाइक इनिशियली आई स्टार्टेड द गाइडिंग वॉइस इन इंग्लिश, उसके बाद में मैं सोचा कि ये लोकल लैंग्वेजेस, हमारा राष्ट्रभाषा और हमारा वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस का प्रिजर्वेशन भी करना है, राइट? दैट्स व्हाई I expanded into Hindi, Kannada and Telugu. I want to start in other languages also with support of volunteers and with support of people around me. Naveen ji, मैं आपका एक correction कर दूं कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा है। Right, राजभाषा, right, right. Thank you for that. Thank you for the correction. और दूसरा शब्द universe। पंचतंत्र की खूबसूरत कहानियों जैसा, जिसमें सब मिलजुल कर रहते हैं, लड़ते झगड़ते हैं लेकिन रहते मिलजुल कर। सुपर। एंड क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। किताबें, जिंदगी, जी और जीने दो। मूवी, हर वो मूवी जो लोगों को सेंसिटिव बनाए, जो लोगों को इंसानियत के करीब लेकर आए। भाषा, लैंग्वेज, जो बिना कहे भी समझी जा सके। सुपर। और एलियंस, ग्रहांतरवासी। ये मेरी समझ, मेरी कल्पना से परे है, मैं नहीं जानती। और इन्वेंशन, आविष्कार, आवश्यकता, क्योंकि आवश्यकता को ही आविष्कार की जननी कहा जाता है। सही है। और सक्सेस, लास्ट वन। जब कोई बच्चा आके मुझसे कहता है ना कि मैम आपके कारण मुझे हिंदी बहुत अच्छी लगने लगी है, मुझे हिंदी से प्यार हो गया है, तो बस ऐसा लगता है जीवन सफल हो गया है। सुपर, वंडरफुल। और मैं आपको फॉर्मली वेलकम करने से पहले मैं ऑडियंस को वेलकम करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर और चीफ होस्ट, यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। हम द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। ऑलराइट, सो नमिता जी, हार्टी वेलकम टू टीजीवी। टीजीवी में आपका स्वागत है और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, बहुत अच्छा काम कर रहे हो हिंदी को स्प्रेड करने के लिए, बल्कि ये कहूँ कि मेरे काम में मदद कर रहे हो, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम, शुक्रिया। और हम शुरू करते हैं अपना कॉन्वर्सेशन आज के लिए। चलिए शुरू करते हैं आपके जीवन और करियर से। आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच, माने ब्रीफ इंट्रोडक्शन शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। ठीक है, तो नाम तो मेरा आप बता चुके हैं, लेकिन मैं नमिता प्रकाश के नाम से भी जानी जाती हूँ, मेरा पेन नेम या दूसरा नाम आप कह सकते हैं। अच्छा। और लगभग 30 साल का मेरा पढ़ाने का अनुभव है, केवल बच्चों, मैंने कॉलेज में कभी नहीं पढ़ाया है, और CBSE, ICSE और IGCSE स्कूलों में पढ़ाया है, पढ़ा रही हूँ। अच्छा। और घर में बचपन से ही हिंदी का माहौल मिला। मैं मध्य प्रदेश में पली पढ़ी हूँ, हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ, हिंदी भाषी परिवार से हूँ, तो जो माहौल मिला है वो हिंदी का घर में शुरू से ही देखा है। मतलब खून में भी मेरे, अगर आप कहेंगे कि मेरी रगों में भी हिंदी बसती है। और मेरे माता पिता का इसमें श्रेय ज्यादा जाता है, जो मैं आगे भी आपसे बात करूंगी, तो चूंकि वो भी बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे, तो इस कारण मुझे एक अच्छी हिंदी बचपन में मिली। और बचपन में जैसे सभी लोगों को होता है कि हर साल हर महीने हमारी ख्वाहिशें बदल जाती हैं, हम क्या बनना चाहते हैं बदलता जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो बड़े बड़े फोकस्ड होते हैं, मैं नहीं थी फोकस्ड। तो मुझे बस ऐसा लगता था कि कुछ अलग करना है, मतलब जो सब लोग करते हैं वो नहीं करना है, कुछ अलग करना है, क्या करना है वो नहीं पता था। फिर पढ़ाई लिखाई हुई मेरी, चलती रही। उसके बाद मैंने यही अलग करने की चाहत में मैंने कार ड्राइविंग स्कूल खोला।
तो मैं महिलाओं को कार ड्राइविंग सिखाती थी और अच्छा उसमें मुझे बहुत सफलता मिली। ओ मैंने 4 साल सिखाई है और उसी दौरान मुझे ऑल इंडिया रेडियो में कैजुअल अनाउंसर बनने का भी मौका मिला। तो ये दोनों काम मेरे चलते रहे और बस इसके बाद जिंदगी की नदी जिधर बहाती लेती चली गई, मैं जाती गई। और फिर मेरी जिंदगी में या मेरी झोली में आकर के रहा पढ़ाना। तो उस समय पढ़ाना मेरा पैशन बिल्कुल नहीं था, अच्छा बिल्कुल भी नहीं। बड़ी ईमानदारी से कह रही हूँ कि पढ़ाना मेरे पास बस एक ऑप्शन था कि मुझे कुछ करना है, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने के दौरान मुझे ये एहसास होने लगा बच्चों के माध्यम से ही कि मेरी कक्षा को बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। दूसरी कक्षाओं में जहाँ खासतौर से भाषा की होती है, दूसरी भाषाओं की होती है कक्षाएं, उसमें बच्चे नहीं लेते हैं उतना मजा और मेरी कक्षा के लिए भाग के आ जाते हैं। तो मैंने बच्चों से पूछा कि भाई क्या कारण है तुमको कि तुम बाकी विषयों में तो रोते गाते जाते हो, खास तौर से भाषाओं के। तो वो इतना स्पष्ट नहीं कह पाए, लेकिन कुछ ने कहा कि मैं जो मुहावरे कहावतें और जो उदाहरण देती हूँ वो मैं बच्चों से जोड़ के देती हूँ। मतलब आप कह सकते हैं कि कई बार तो मैं व्यंग्यात्मक रूप में अपने दिल की बात भी उनको कह देती हूँ। कभी किसी बच्चे को डांट लगानी है तो मुहावरों में ही डांट लगा दी। तो जब इसके माध्यम से मैं उनसे बातचीत करती थी और कक्षा भी मेरी इसी तरह से चलती थी, तो बच्चे ठहाके लगा के हंसते थे और बड़े खुश होते थे और इसी बीच वो सीख जाते थे मुहावरों को, इन कहावतों को, कभी चुटकुले बना के सुना दिए। तो मेरी जो कक्षा होती थी वो मतलब तथाकथित हिंदी भाषा की कक्षा नहीं होती थी। और इस तरह से मजेदार रूप से मैं अपने काम को आगे बढ़ाती रही और मेरा ये सिलसिला चलता रहा। और इसके बाद जैसा मैंने बताया कि लगभग 30 साल से मैं पढ़ा रही हूँ और इत्तेफाक से मेरी मुलाकात हुई कुछ रंगमंच वालों से और कुछ स्टोरी टेलर से, कुछ भी नहीं कहूंगी बल्कि एक रंगमंच के समूह से जो हिंदी में काम करता है पूना में ही, और एक स्टोरी टेलर है जो मेरी बहुत अच्छी मित्र है वैशाली कुलकर्णी। इनसे मैं बिल्कुल सौभाग्य से मिली और करीब 8-10 साल पहले। और बस मेरे जीवन में जैसे वो नदी में एक सहायक नदियां होती है, ट्रिब्यूटरी रिवर्स, हाँ तो ये एक सहायक नदियां मेरी उसमें यात्रा में जुड़ती चली गई अच्छा और मैं आगे बढ़ती चली गई। और पूना, मैं कहूंगी इस मामले में मेरा पूना में होना एक और सौभाग्य की बात है अच्छा कि मेरी इस दिशा को पूना के माहौल में और अच्छे से करने का मौका मिला। तो ये छोटी सी मेरी यात्रा है, ऐसा कुछ विशेष नहीं किया है। सुपर, बहुत इंस्पायरिंग है और आप बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड्स भी टच किए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली टीचिंग इज ए मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन एंड आई लव बीइंग एसोसिएटेड विद टीचर्स। और आप मुझे मेरा हिंदी टीचर्स का याद दिलाया एंड ये मौके पे मैं मेरा हिंदी टीचर्स रविंद्रनाथ सर जी और अफजल सर जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ऑफकोर्स अगेन दे माइट एक्चुअली फील बैड दैट आई हैव नॉट इम्प्रूव्ड मोर बट स्टिल आई एम ट्राइंग। मैं तो इम्प्रूव हुआ नू लाइक आई स्टार्टेड टीजीवी हिंदी अबाउट ईयर एंड हाफ जी, पर गो। नवीन, आपके हिंदी टीचर्स बहुत खुश होंगे कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू मैडम, आई एम ग्लैड आप ये मेंशन किए। और आगे बढ़ते हैं, आपके इस सफर में सबसे ऊपर ऐसे कौन से 3 चीजें हैं जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? ऐसे तो खैर सफर में आप भी जानते हैं नवीन जी कि भाई बहुत सारे चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें मैं सबसे बड़ा जो श्रेय है वो देती हूँ अपनी परवरिश को। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि हिंदी का माहौल था, लेकिन उसमें मैं कुछ चीज जोड़ना चाहूंगी कि मेरे पिता लिखते थे, तो अच्छा कविताएं लिखते थे और नाटक लिखते थे, उनके कई नाटक रेडियो में आते थे। लेकिन उस जमाने में कवियों को कोई इतनी अहमियत देता नहीं था, तो मेरे जो दादाजी थे उन्होंने उनको पुलिस की नौकरी में लगवा दिया कि तुम्हारी यहाँ कविताएं लिख के दाल रोटी नहीं चलेगी तो तुम यहाँ चले जाओ। तो उनका लिखना कम हो गया था, पर उनका जो सर्कल था, जो मित्र मंडली थी, वो सारे कवि थे, बड़े बड़े नामी गिरामी कवि। अच्छा चूंकि वो एमपी पुलिस में थे, तो मध्य प्रदेश जो है वो हिंदी भाषा का एक प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। और मध्य प्रदेश की पुलिस की नौकरी के दौरान मेरी मेरा जीवन का अधिकांश हिस्सा मध्य प्रदेश में बीतता है। और
पर एक चीज और है, अगर आप जाने, अगर आपको नहीं बताया तो इंदौर में मेरा सबसे बड़ा जीवन का हिस्सा बीता है, और इंदौर का अच्छा बोलने का एक लहजा है, एक अलग तरीका है। ओ भ्यो, क्या कर रही हो, इस तरह से बोलते हैं। अच्छा पहले मेरे पैसे तो दे दे, ये तरीका। मैं, हो सकता है मैं थोड़ा ज्यादा उसको, क्योंकि मैं ऐसा बोलती नहीं हूँ, तो मैं सभी वासियों से कान पकड़ के माफी मांगती हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो। तो ये जो लहजा है, ये मेरे अंदर कभी नहीं आ पाया। अच्छा इसका श्रेय जाता है मेरी मम्मी को। उनको कोई भी शब्द का गलत उच्चारण बर्दाश्त ही नहीं था। वो हालांकि कुछ लिखती वगैरह नहीं थी, कोई इसमें नौकरी में भी नहीं थी, लेकिन भाषा के प्रति उनका जो ये था, समर्पण मैं कहूंगी, कि पहली बार वो आंखें दिखाकर डांटती थी, दूसरी बार थप्पड़ पड़ जाता था अगर उसी शब्द को गलत बोला गया। जैसे अच्छा नहीं तो वहां पे नहीं बोला जाता है, तो मेरे मुंह से निकल गया नहीं चाहिए तो पड़ जाता था अच्छी तरह से। तो मैं हर दिन नवीन जी उनकी शुक्रगुजार होती हूँ। जब भी मेरी हिंदी के बारे में कुछ बातचीत होती है, या लोग कहते हैं कि आपकी हिंदी ठीक ठाक है, तो मैं इसका क्रेडिट देती हूँ अपने माता पिता को, खासतौर से माता को। तो मेरी पहली सबसे अहम चीज मेरी परवरिश है, जिस माहौल में। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि आई एम ब्लेस्ड, मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरी मुलाकातें ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने हिंदी के कला के क्षेत्र में कुछ किया है, और वो किया है जो मुझे बहुत पसंद है, अच्छा या मुझे पसंद अब तो मैं कहूंगी है, तब भी था लेकिन मुझे पता नहीं था। तो जैसे रंगमंच हुआ, जैसे स्टोरी टेलिंग हुआ, ये सब चीजों का मुझे कभी कोई अनुभव नहीं था। तो इत्तेफाक से ऐसे लोगों से लगातार मिलना, और जो बहुत अपने काम के प्रति समर्पित हैं और बहुत कुछ अलग कर रहे हैं, और बहुत बहुत मन से कर रहे हैं, तो और बहुत अच्छे लोग हैं, मैं ये भी बात कहूँ कि बहुत अच्छे लोग हैं। तो इन लोगों से मिलना, और इन लोगों ने जो मेरी हिंदी को सराहा, उसको उसकी प्रशंसा की और मुझे प्रोत्साहन दिया आगे बढ़ने के लिए, आप ये बहुत अच्छा करती हैं, आप कीजिए, ये पढ़िए, ये लिखिए, ये ऐसा बोलिए, और आप ये कीजिए और वो कीजिए। तो मैं दूसरा क्रेडिट देना चाहूंगी अपने ब्लेसिंग्स को और उस इत्तेफाक को, जिसके कारण ऐसे लोग मुझे मिलते चले गए। और तीसरी चीज ये है कि मुझे सीखना बहुत पसंद है, अच्छा हर चीज नहीं। अभी आप अगर मुझे बोलेंगे कि तुम ये मशीन खोल के सीखो, तो वो मुझे, मेरा मन नहीं लगेगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे सीखना बहुत पसंद है, और हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य उसमें सर्वोपरि है। तो मुझे प्रोत्साहन मिलता गया और मैं उसमें और घुसती चली गई, डूबती चली गई, डूबती चली गई। मैंने खूब पढ़ा है और पढ़ रही हूँ। खैर, हिंदी साहित्य तो इतना समृद्ध है नवीन जी, कि उसके लिए मैं कहती हूँ, जैसे लोग कहते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा है, तो मैं कहती हूँ कि हिंदी साहित्य एक समंदर की तरह है, और अभी तो मेरे पैर का नाखून भी नहीं भीगा है। उसको ग्रहण करना, उसमें से कुछ लेना, उसमें से एक चुल्लू भर भी लेना, ये तो इस जन्म का के लिए तो संभव नहीं है। तो इतना समृद्ध है, तो मैं पढ़ रही हूँ और बस अपने जीवन के उस चीज को मैं एंजॉय कर रही हूँ। मलाल है थोड़ा सा कि ये कीड़ा मुझे पहले क्यों नहीं लगा। परफेक्ट लेकिन ठीक है, जब जागो तब सवेरा। सुपर मैम। और आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल ये कि आप आपको जिंदगी में सबसे मुश्किल सी कौन सी सीखी मिली है आपको? मुश्किल तो देखो सबके जीवन में आती है, सबके करियर में आती है, राइट हताश भी करती है, निराश भी करती है, मुश्किलें तोड़ती भी हैं, और कई बार इंसान गिर जाते हैं और फिर उठ नहीं पाते हैं। अब उठ न पाने के दो कारण, एक तो अपनी कमजोरी कि भाई हताश हो गए, हम नहीं उठ रहे, दूसरा ये होता है कि आपके पास कोई विकल्प ही ना हो, कोई ऑप्शन ही ना हो, आपको उठना ही है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। मेरे साथ वही था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था उठने के अलावा। तो ठोकरें पहुंची, चोट पहुंची, गिरी, लड़खड़ाई, रोई, लेकिन मेरे पास और, जैसा मैंने कहा, कि कोई विकल्प नहीं था, मुझे आगे बढ़ने, मुझे खड़े होना था और फिर पढ़ना था। तो सबसे बड़ी जो रुकावट थी, जो कि आज मेरी एक पहचान बन गई है, वो थी हिंदी। आज की नहीं, बल्कि मैं कहूंगी कि आज से कई सालों से हिंदुस्तान में अंग्रेजी का माहौल है, अंग्रेजी को जो दैवीय दर्जा प्राप्त है, तो हिंदी तो वहां बेचारी चाकर है, नौकरानी है, और मैं तो नौकरानी को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो मैं तो, मतलब मेरी क्या हस्ती हो सकती थी। तो
और चूंकि मैंने इतने सालों पढ़ाया है और अब तो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाया है मैंने, तो वहां मुझे, और मैं आपको और स्पष्ट बता दूं आपको भी और श्रोताओं को भी, कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। अब तो काम चलाने लगी हूँ ऐसा नहीं, लेकिन मुझे नहीं आती, मतलब मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दूं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। तो जो लोग मिलते थे, टीचर्स मिलती थी, आपस में बातें होती थी, तो उसमें अगर अंग्रेजी में कोई बोल रहा है तो मेरी तरह बड़ी व्यंग्यात्मक दृष्टि उठती थी और मुझे अनुवाद करके बताया जाता था, ट्रांसलेशन करके। और उसमें जो व्यंग होता था, जो आंखों में या होठों पर जो व्यंग होता था, बड़ा चुभता था नवीन जी, बहुत चुभता। कई बार तो स्पष्ट रूप से ही बोल दिया जाता था कि अरे ये नविता को जरा बता देना, इसको समझ में नहीं आया। हालांकि मैं अनपढ़ नहीं हूँ लेकिन ये होता था। तो ये मेरे लिए, ये हर जगह मैंने देखा है, हर जगह, दुर्भाग्य से हर जगह मैं कहूंगी झेला है। तो जो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास केवल दूसरा विकल्प था, कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, मुझे अपनी हिंदी को लेकर ही आगे बढ़ना। हालांकि मुझ जैसे कई लोग होंगे जिन्होंने, बहुत लोग हैं, मैं भी कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने सीख ली, पर्राटे की अंग्रेजी सीख। शायद मैं भाषा में उतनी जल्दी सीख नहीं पाती हूँ, या मेरे अंदर इतनी ज्यादा हीन भावनाएं भर चुकी थी अंग्रेजी को लेकर कि वो एक ब्लॉक लग गया था दिमाग में। तो मेरे संघर्ष दो तरफ चल रहे थे, एक तो मैं अपनी हिंदी को लेकर चल रही थी और दूसरा अंग्रेजी वालों के साथ जो तलवारें खींचे मेरे तरफ खड़े रहते थे। मैं उस पर अडिग रही और अपने हिसाब से, अपनी रफ्तार से मैं चलती रही। और जब जब जिन स्कूलों में, मैंने बहुत स्कूलों में काम नहीं किया है इतने सालों में भी, लेकिन बहुत जल्दी मेरी अपनी एक पहचान बच्चों के बीच में बनने लगी कि नमिता मैम की क्लास में मजा बड़ा आता है। और ये मेरी सफलता की सीढ़ियां थी। उसके बाद अब स्थिति, मतलब पिछले कई सालों से ये आ गई है कि तुम रखो अपनी इंग्लिश तुम्हारे पास, इस हिंदी ने मुझे मान सम्मान नाम सब कुछ दिया है और मुझे गर्व है कि मैं केवल हिंदी बोलती हूँ। मुझे अंग्रेजी भाषा से कोई परेशानी नहीं है, आनी चाहिए, जरूर आनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन मुझे नहीं। और आपको हिंदी भाषा की विरासत को संरक्षित करने के लिए, खुद को समर्पित करने के लिए किसने प्रेरित किया? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप तो नवीन जी खैर मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, मैं दुनिया आपसे पहले से देख रही हूँ, और आपने भी शायद महसूस किया होगा अक्सर आसपास में बातचीत होते हुए कि आजकल के बच्चे ना सुनते नहीं है, सही है, या आजकल के बच्चों को ये शेयरिंग बांटना आता ही नहीं है, आजकल के बच्चों को बड़ों से बात करने का सलीका नहीं आता है, या हमारे जमाने में तो हमारे मम्मी या बाबा हमको आंख दिखा दे तो हम तो बिल्कुल सहम जाते थे, आजकल के बच्चों को तो बहस करते हैं। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। तो ये बदलाव, मैं चूंकि बच्चों से लगातार जुड़ी हुई हूँ तो ये बदलाव मैं देख रही थी, मुझे मतलब हर अगली कक्षा में ये बदलाव बढ़ा हुआ महसूस होता था। अब यकीन मानिए, हर बड़ी अगली कक्षा में, अगले साल जब मैं उसी कक्षा को पढ़ाती थी तो मुझे वो बदलाव नजर आता कि कहीं ना कहीं कुछ एक चीजें हैं जो छूट रही हैं। हम जिस संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, अपनी परंपराओं की बात करते हैं, अपने संस्कारों की बात करते हैं, क्यों छूट रही है ये? अब उसके लिए कुछ चीजें हैं, जैसे आजकल जॉइंट फैमिलीज नहीं होती हैं, संयुक्त तो परिवार नहीं होते, तो बच्चे अपने दादी नानी के साथ रहकर जो सीखते थे, जो वैल्यू सीखते थे, वो मिसिंग है। अब उसको तो कुछ किया नहीं जा सकता, समय की मांग है। तो क्या किया जा सकता है? तो फिर सोचने पर पता चला कि जो दादा दादी नाना नानी के साथ जो संस्कार बच्चों में आते थे, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा था कहानियों का। अब दादी नानी तो हर घर में पहुंचाई नहीं जा सकती, कहानियां पहुंचाई जा सकती हैं, और ये कहानियां कहाँ हैं? ये हैं हमारे साहित्य में। अब आप तो जानते ही होंगे, हर सारे हमारे श्रोता दर्शक भी जानते होंगे, कि जो लेखक जहाँ का होता है उसकी लेखनी में वहीं की संस्कृति झलकती है, वहीं का कल्चर दिखाई देता है ना। रशियन लेखक जो है वो रशियन परिवेश पे लिखेगा, फ्रेंच लेखक जो है वो फ्रेंच परिवेश पे लिखेगा, है ना। तो हिंदी लेखकों ने जो लिखा है वो चाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लिखा हो, लेकिन बात उन्होंने भारतीय संस्कृति की है, भारतीय परिवेश की है, भारतीय परंपराओं की है, भारतीय रीति रिवाजों की, भारतीय त्योहारों की है, भारतीय एकता की बात की है। आपको किसी अमेरिकन लेखक में ईदगाह कहानी नहीं मिल सकती जिसमें ईद का जिक्र हो,
जिसमें आपको किसी अमेरिकन या रशियन नॉवेल में राही मासूम रजा का जो टोपी शुक्ला उपन्यास है, जिसमें बड़ी प्यारी दोस्ती है दो बच्चों की, एक हिंदू एक मुस्लिम, वो आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपको किसी भाषा में नहीं मिल सकता। तो ये जब चीजें मुझे क्लिक करने लगी तो मुझे लगा कि इसका एक ही माध्यम है साहित्य। और दुर्भाग्य से ये साहित्य से हमारी पीढ़ियां दूर होती चली जा रही है। पिछली कुछ पीढ़ियों की अगर मैं बात कर रही हूँ, अब ये दूर तो हो गई है, इन्हें खींचा कैसे जाए, अपने पास कैसे बुलाया जाए? तो इसका तरीका ये है कि वो इस साहित्य से जुड़े। जब तक वे इस साहित्य को पढ़ेंगे नहीं, तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा भारतीय संस्कृति और जो भी कल्चर की हम बात करते हैं। भाई इतिहास तो हम इतिहास की किताबों में पढ़ लेते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ लेते हैं, लेकिन संस्कृति ये तो पूरी धरोहर, ये जो विरासत आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप, कि विरासत तो सिर्फ लेखकों ने पहुंचाई है आगे की पीढ़ी तक, तो साहित्य तो पढ़ना पड़ेगा। अगर हम अपने संस्कारों को, अपने परिवेश को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को बचा कर रखना चाहते हैं या उसमें लौटना चाहते हैं, तो इसका माध्यम तो केवल एक है कि साहित्य। और साहित्य भी मैं गूढ़ साहित्य की बात नहीं कर रही, मैं संस्कृति और परिवेश के लिए मैं वेद पुराण उपनिषद की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो हम सबकी समझ में नहीं है। वो उसके लिए समझ अलग चाहिए, उसके लिए माहौल अलग चाहिए, लेकिन हम साधारण कहानियां तो पढ़ सकते हैं। हम नागार्जुन को पढ़ सकते हैं, बाबा नागार्जुन को पढ़ सकते हैं, हम भीष्म साहनी को पढ़ सकते हैं, हम मंटो को पढ़ सकते हैं, हम इसमें चुगताई को पढ़ सकते हैं, हम आज के जो जो लेखक हैं वो उनको पढ़ सकते हैं। तो माहौल ने मुझे प्रेरित किया, अच्छा उस तकलीफ ने मुझे प्रेरित किया कि हम दोष तो दे देते हैं, आजकल के बच्चे ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने उन बच्चों को माहौल दिया है? तो बच्चे अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसके जिम्मेदार तो हम हुए ना, हमने परवरिश में हमारी कमी है। तो एब्सोल्युटली ये है इसका मेरी तरफ से जवाब। सुपर। और मैडम आपका मिशन क्या है? देखिए मिशन की अगर मैं बात करूं तो अगेन हिंदी तक सीमित हूं मैं। जो हमारी, जो इससे पहले वाले जवाब में मैंने आपसे कहा कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है हिंदी साहित्य, मैं केवल हिंदी भाषा की बात नहीं कर रही, हिंदी साहित्य की भी अगर मैं बात करूं तो ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, हमारे साहित्य की जानकारी होनी चाहिए। और जो हिंदी से हम भागने लगे हैं, हिंदी बहुत मुश्किल है, हमको तो समझ ही नहीं आती है, उसकी मात्राएं हमको समझ में नहीं आती है, हमको बोलना नहीं आता है, हमको सही हिंदी कहीं सुनने को नहीं मिलती है। तो मेरा मिशन यही है कि मैं जितने लोगों तक पहुंच सकूं उनको मैं दो चीजें बताऊं कि एक तो हिंदी बड़ी रुचिकर है और दूसरा हिंदी का साहित्य इतना समृद्ध है कि हम सबकी पसंद का उसमें समावेश है। तो जानो जानो हिंदी साहित्य को। वो जैसे अगर मैं प्रेमचंद की बात करूं, प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का स्तंभ कहा जाता है, तो प्रेमचंद ने जो लिखा है वो क्यों लिखा है? उन्होंने गरीबी पर बहुत कुछ लिखा है, तो क्यों लिखा है? ये जानेंगे तब हम अपने अपने इतिहास को सच सच मायनों में जान पाएंगे। तो बस मेरा मिशन बड़ा सिंपल सा है कि हिंदी को लोग जाने पहचाने, उसका सम्मान करें और उसमें रुचि दिखाएं, रुचि लें, उसमें मजा आए। अमेजिंग। और आप किस प्रकार मानते हैं कि आज की तेजी से विकसित हो रही दुनिया में हिंदी भाषा और इसकी सांस्कृतिक विरासत खतरे में है? एक तो अंग्रेजी का माहौल है, अंग्रेजी का बोलबाला है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी पहचानी और समझी बोली जाने वाली भाषा है, तो उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और हिंदी का मुकाबला इंग्लिश से है भी नहीं, हिंदी, क्योंकि कोई भाषा किसी और भाषा की प्रतिद्वंदी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप अपने घर में जो भाषा बोलते हैं आप उसकी तुलना अंग्रेजी से नहीं करते हैं, ये भाषा ये है, वो भाषा वो है। तो अंग्रेजी भी एक भाषा है और हिंदी भी एक भाषा है। जो खतरा है वो खतरा, सबसे बड़ा खतरा या कुछ खतरे, अगर मैं बात कहूं कि कुछ एक चीजें जो है जो इस विरासत को, जिन्होंने थोड़ा सा तोड़ दिया है इस हमारी धरोहर को, तो उसमें हमारी सोच का बहुत बड़ा हाथ है कि हमने ये मान लिया कि हम केवल एक ही भाषा सीख सकते हैं, अंग्रेजी, जबकि विज्ञान ये साबित कर चुका है कि एक बच्चा, मैं जहां तक नंबर मैं कम बता सकती हूँ, ज्यादा तो नहीं बताऊंगी, 6 भाषाएं एक साथ सीख सकता है, 6 भाषाएं। तो हमने अपनी पीढ़ी को, अपने आने वाली पीढ़ी को क्यों सीमित रख दिया एक भाषा तक? और ये खतरा केवल हिंदी का नहीं है, नवीन जी आपको बताऊं मैं,
मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, महाराष्ट्रियन परिवारों में आज बच्चों के साथ केवल अंग्रेजी में बात की जाती है, जबकि महाराष्ट्रियन समाज एक बहुत सांस्कृतिक समाज है, वहां भाषा को बहुत अहमियत दी जाती थी, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि वो भी कहीं ना कहीं छूट रहा है। तो ये एक खतरा है कि हम खुद ही हिंदी का और रीजनल भाषाओं का महत्व नहीं समझ रहे हैं, वो उससे हम दूर होते चले जा रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा खतरा है कि लोगों को ये लगने लगा है कि हिंदी भाषा सीखने से कोई लाभ नहीं है, जबकि मेरे पास कई लोग आते हैं नवीन जी, जो ये कहते हैं, पेरेंट्स भी और बच्चे भी, कि हमको अफसोस है इस बात का कि हम हिंदी नहीं जान पाए, हम कई जगह समाज सेवा के लिए किसी एनजीओ से नहीं जुड़ पाते, हमको अगर आईएएस आईपीएस का एग्जाम देना हो तो उसमें हिंदी हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। अगर मान लीजिए कि मेरी सरकारी नौकरी हर कोई चाहता है, सरकारी नौकरी लग गई और अगर मुझे नॉर्थ इंडिया में जाना पड़े तो वहां जो कॉमन मैन से बात करना है वो तो हिंदी में है ना, और मुझे हिंदी नहीं आती है, तो मुझे वो ऑप्शन छोड़ना पड़ता है। तो अब आप सोचिए कि कितने लोगों के सपने इस कारण टूट जाते हैं, इनको बाद में पता चलता है कि हमको हिंदी नहीं आती इस वजह से, तो ये है हमारी विरासत को खतरे, फिर लोग छोड़ ही देते हैं उस दिशा में जाना कि हिंदी को जाने दो, छोड़ दो। एक और चीज कहूंगी, हमारी इसकी अगर आप बात करें तो हमारी जो हिंदी जो संस्था है उन लोगों ने भी कई चीजों के लिए कुछ मानक परिवर्तन किए हैं, खैर वो इस सब में आज के इसमें बताने का, क्योंकि हर कोई हिंदी व्याकरण वाला नहीं है, वो कुछ परिवर्तन जो है वो ठीक नहीं है मेरी नजरों में। और हम एक आसान हिंदी, या हम फिल्मी हिंदी, या हम न्यूज वाली हिंदी जो समाचारों में सुनाई जाती है, हम उसको हिंदी समझ बैठे, वो बोलचाल के लिए हो सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो अच्छी हिंदी नहीं है जो सुनने में अच्छी लगे, प्यारी लगे। तो ये एक खतरा और है कि जो हमने फिल्मों में, टीवी में और इन सब में एक खिचड़ी भाषा हम लेकर आ गए हैं, उसको अगर थोड़ा सा हम शुद्ध रख पाए तो उपकार होगा। आजकल तो लगभग 20-30% मिक्स चल रहा है भाषा में. लाइक एनी वेयर यू गो, बिल्कुल इवन इफ यू गो टू रिमोटेस्ट प्लेस ऑल्सो, पीपुल अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर देन हिंदी. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसमें भी हिंदी का एक और चीज हो रही है कि जहां हिंदी का पूरा सेंटेंस अगर बोल भी दिया तब भी उसमें जेंडर प्रॉब्लम, जो कि आप महसूस करते होंगे, हाँ तो सब वो बिल्कुल. बड़ी समस्या आ रही। तो हिंदी अगर बोलो तो उतना सेंटेंस तो सही बोल लो भाई। राइट, मैं आपसे सहमत करता हूँ, सहमत करता हूँ. और मैडम, ये हिंदी भाषा की अखंडता की रक्षा करने और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आपने कौन सी विशिष्ट पहल या परियोजनाएं शुरू की है? व्हाट आर द इनिशिएटिव्स दैट यू आर वर्किंग ऑन? मेरा तो अब आप समझ ही गए कि कहानियां साहित्य के ही राइट. मेरा पूरा दायरा है, तो मैं बच्चों को कहानियों के माध्यम से एक तो हिंदी पढ़ाती हूँ अच्छा. जिसमें मैं खूब कहानियां सुनाती हूँ, तो कहानियां एक ऐसा बिंदु है कि लोग खींचे चले आते हैं, तो वो एक सिलसिला है मेरा। और अलग इवेंट भी करती हूँ बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग के, अलग अच्छा. अलग जगह पर करती हूँ जो कि हिंदी में होते हैं। और मेरी हिंदी संस्कृत निष्ठ हिंदी नहीं है, मैं जो हिंदी का प्रयोग करती हूँ बिल्कुल बोलचाल की हिंदी, बस व्याकरणिक रूप से सही है इतना मैं अच्छा. कह सकती हूँ। और दूसरा, मैंने एक शुरुआत की है साहित्य मंथन नाम से प्रोग्राम की, अच्छा जिसमें हाँ जो महीने में 2 बार करती हूँ मैं और अच्छा कई जगह कर चुकी हूँ, उसमें हिंदी साहित्य के कुछ चुनिंदा कहानियों को, उनके लेखक के परिचय को चुनकर एक 1.5 घंटे का एक प्रोग्राम क्रिएट करती हूँ और वो लोगों को सुनाती हूँ। तो साहित्य मंथन में जैसे कभी अगर मैंने प्रेमचंद के लिए ले लिया तो भी प्रेमचंद की जिंदगी के बारे में, तो अब तो लोगों को नहीं पता है, पहले के लोगों को फिर भी थोड़ा बहुत पता होता था, लेकिन वो बात है जो बिल्कुल पता नहीं, तो वो सारी चीजों को क्यूरेट करती हूँ। फिर प्रेमचंद के बारे में ये है कि उन्होंने तो सिर्फ गरीबी लिखा है, दुख लिखा है, गरीबी के बारे में लिखा है और दुख के बारे में लिखा है, और फिर बड़ा दुखद उनका जीवन भी रहा है और उनकी कहानियां भी रही है, लेकिन प्रेमचंद ने हास्य भी बहुत लिखा है। अच्छा. तो फिर मैं उनकी कहानियां पढ़ के उनमें से चुनती हूँ कि हास्य क्या है, फिर 1.5 घंटे का प्रोग्राम क्यूरेट करके और फिर प्रेमचंद के ऊपर ये प्रोग्राम करती हूँ। तो कभी कोई लेखक पर होता है, जैसे अमृता प्रीतम जी पर किया है, कभी कोई थीम पर होता है, कभी हास्य पर, कभी व्यंग्य पर, तो ये 2 चीजें हैं जो मैं साहित्य मंथन और बाल साहित्य मंथन के नाम से करती हूँ। सुपर मैम.
और आप बोल दीजिए, मैं हमारा प्लेटफॉर्म के तरफ से कैसे मदद करूं, आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। एंड मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हम एक पैनल डिस्कशन होस्ट करेंगे अगले 2-3 महीने में, आप और 2-3 एक्सपर्ट्स को भी बुलाइए और हम एक पैनल डिस्कशन यूट्यूब लाइव करेंगे। एटलीस्ट इट विल बी हेल्पफुल टू सपोर्ट योर इनिशिएटिव, राइट? जरूर जरूर जरूर। और मैडम, अब तक बहुत शानदार बातचीत हो रही है और ये एपिसोड में थोड़ा मसाला, थोड़ा स्पाइसअप करने का समय आ चुका है। आप तैयार है तो मैं दूसरा रैपिड फायर राउंड को खोलना चाहता हूँ। आर यू रेडी फॉर इट? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, मेरा पहला सवाल है कि यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी। सैल्यूट। लव इट। और हिंदी भाषा में आपका पसंदीदा शब्द कौन सा है? सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे बच्चों का भी पसंदीदा शब्द है, किंग कर्तव्य रिमोड। वाओ, कैन यू एक्सप्लेन दैट? हाँ हाँ जरूर। किंग कर्तव्य रिमोड का मतलब होता है कि जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएं कि क्या करें क्या ना करें, वो वाली जो स्थिति होती है, अच्छा, तो उसके लिए कहा जाता है कि मैं जब मुझसे ये पूछा गया कि तुम कौन सा विषय लेकर अपना या कौन सा करियर चुनना चाहोगे, तो मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ रह गया, या मैं रह गई कि मैं क्या करूं या क्या चुनूं। देखिए होता है किंग कर्तव्य विमूढ़। अच्छी बात। और अगर आपको एक दिन के लिए नियंता बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? मैं तो एक ही नियम बनाऊंगी कि हर घर में हर दिन एक कहानी पढ़ी या सुनाई जानी चाहिए हिंदी की। सुपर, मैं सहमत करता हूँ। एंड मैंने थोड़ा फैमिलीज को देखा, कुछ फैमिलीज को, एंड दे इंसिस्ट ऑन टॉकिंग ओनली इन इंग्लिश। अगर उन लोग लोकल लैंग्वेज यूज किए तो, हे व्हाई आर यू टॉकिंग इन तेलुगु और व्हाई आर यू टॉकिंग इन हिंदी, कम ऑन, यू हैव टू स्पीक ओनली इंग्लिश, राइट? व्हिच इज बैड प्रैक्टिस। एंड आपने एक, हाँ, आप महत्वपूर्ण चीज बताई आपने, लाइक एनी चाइल्ड कैन लर्न 6 languages, एंड स्पेशली द सूनर वी स्टार्ट द बेटर। जो बच्चा यंग होता है देन ग्रास्पिंग पावर भी ज्यादा रहता है, उनको डिस्ट्रैक्शन भी कम रहते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सुपर। और मैडम, अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले, तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे? मिस्टर इंडिया का अनिल कपूर। सुपर। गायब होना चाहूंगी मैं कि मैं गायब हो गई। राइट। और यदि आपको अपना जीवन किसी के साथ बदलना पड़े, तो वो वह कौन होगा और क्यों? ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली मैं चौथी या पांचवी बार अमृता प्रीतम को पढ़ रही हूँ, तो मैं यही कहूंगी मैं उनके जीवन से बहुत प्रभावित हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों को शायद उनके बारे में उतना पता ना हो, या बहुत ही उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में लोग टिप्पणियां ज्यादा करते हैं, लेकिन मुझे उनकी जो खास बात लगी अमृता प्रीतम जी की, कि उन्होंने अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जिया है। उन्होंने दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की, और उन्होंने कहीं ये दावा नहीं किया कि मैं ही सही हूँ। उन्होंने कहीं ये दावा नहीं किया कि मैं लोगों को एक्सप्लेन करूं कि मैं जो रास्ते चुन रही हूँ वो क्यों चुन रही हूँ। नहीं, उन्होंने अपने अनुसार जीवन जिया, अच्छा, और पूरे बेबाकी के साथ और खुददारी के साथ उन्होंने जीवन जिया। नाम भी बहुत कमाया, पूरी दुनिया में पहचानी गई। और उनके जीवन में साहिल लुधियान भी आए, उनके जीवन में अंतिम समय तक रहने वाले इमरोज आए। तो अपना प्रीतम जी से जो जीवन बदलना पड़े, तो इमरोज भी एक बहुत बड़ा कारण रहेंगे। गुड वन। और आखिरी सवाल ये दूसरे रैपिड फायर राउंड में, और एक ऐसा कौन सा आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो आपको इन्वेंट करना चाहोगे, नहीं तो आप देखना चाहोगे? मेरा बस चले तो मैं एक ऐसा यंत्र बनाऊं कि 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे इंटरनेट मिले सोशल मीडिया के, बस सोशल मीडिया के लिए, मतलब बाकी कामों के लिए नहीं, लेकिन सोशल मीडिया जो है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सब, बस 2 घंटे के लिए मिलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आप 24 घंटे तक आपको मिल ही नहीं सकता। सब लोग किताबों की तरफ भी आएंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। No. मैं मेरा स्टूडेंट से बात कर रहा था, लाइक अबाउट 2 weeks ago मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि लाइक अगर इंटरनेट 10 दिन के लिए डाउन हुआ तो क्या करेंगे आप? आई थिंक हाफ ऑफ द पीपल माइट गेट इनटू डिप्रेशन। एग्जैक्टली, बिल्कुल
सही कह रहे हैं, मतलब मोबाइल अगर पास नहीं हो तो ऐसा लगता है कि सांस रुक रही है, राइट ऑक्सीजन वंडरफुल मैडम, और बहुत मजा आया आपसे बात करके। और आखिरी एक सवाल है, जो अभी उभरते हुए युवा है उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए पहले भी मैंने कहा है कि कई जगह हिंदी की बहुत जरूरत पड़ती है। कुछ चीजों का जिक्र मैंने अपने इंटरव्यू में पहले कर दिया है, लेकिन उसमें कुछ और चीजें भी मैं जोड़ूंगी कि जो लोग मेरे पास आते हैं हिंदी सीखने के लिए, तो उनमें बहुत बड़ी संख्या उनकी है जो सबसे बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। अगर अभिनय करना चाहते हैं तो, एक्टिंग में अगर जाना है, गायकी में अगर जाना है, पत्रकारिता में अगर आपको जाना है, समाज सेवा में जुड़ना है, मनोरंजन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो आपको अच्छी हिंदी आनी चाहिए, आनी ही चाहिए। दूसरा, जो एक भ्रम है कि हिंदी में करियर नहीं है, हिंदी में आगे भविष्य नहीं है, तो मैं सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि हिंदी में बहुत सुनहरा भविष्य है। हिंदी की मांग इतनी बढ़ रही है जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन अच्छी हिंदी। वहां अगर आपको खुदा बोलना है तो खुदा ही बोलना है, खुदा नहीं। हालांकि हमारे कई नामी गिरामी सिंगर्स जो हैं वो खुदा खुदा करके गाते हैं, बड़ा चुपता है, मुझे तो ऐसा लगता है कानों में किसी ने सीसा डाल दिया हो। तो अगर आप अच्छी हिंदी सीखते हैं तो विश्वास कीजिए, इतना काम है कि आपके पास समय नहीं है, इतना काम है। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगी कि अगर साथ के साथ अपने आप कार्य क्षेत्र में जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप हिंदी सीख लेंगे, बिलीव मी, मार्क माई वर्ड्स, आपके करियर में एक बहुत बड़ा एडिशन होगा, प्रोफेशनली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरह से आपकी ग्रोथ। तो यही मेरा एक संदेश है कि सीखिए हिंदी, बोलिए हिंदी, बड़ी खूबसूरत कहानियां हैं, सुनिए। पढ़ नहीं सकते हैं तो पॉडकास्ट है, सुन लीजिए। और अगर फिर भी कुछ जानना चाहते हैं कि क्या पढ़ें, तो हमारे पास बुकलेट ऐप भी है और मैं भी हूं। सुपर सुपर, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और एक्सक्यूज जी मी फॉर बिल्कुल ऑल द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स विच आई मेड। नहीं, आपकी कोशिश को सलाम है नवीन जी। थैंक यू। एंड आपका एक्सपीरियंस कैसे लगा टीजीवी हिंदी में? इनिशियली यू आर रिलक्टेंट, राइट? नहीं, मुझे बहुत मजा आया और बहुत ही शानदार, एक एक ऐसी जगह मिल पाई जहां मैं दिल खोल के अपनी सारी बातें कह पाई, जो बिल्कुल अभी तक मुझे ऐसा मौका नहीं मिला था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में तो मैं अपने संदेश बोलती रहती हूँ जगह जगह, लेकिन एक साथ एक अलग प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी बातें कह पाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम, प्लेजर इज माइन। और एक पैनल डिस्कशन होस्ट करेंगे, और आप मेरे प्लेटफॉर्म से बार बार आके और हमारे श्रोताओं को बहुत सारा चीजें सिखाना है आप। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड थैंक यू अमृत फॉर कनेक्टिंग मी विद अमेजिंग नमिता मैडम जी। आई एम ट्रूली ऑनर्ड ऑनर्ड एंड फीलिंग ब्लेस्ड टू होस्ट यू ऑन माई प्लेटफॉर्म। थैंक यू मैम। अमृत देशमुख को मेरी तरफ से भी धन्यवाद कि उन्होंने ऑलराइट, मुझे तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड नमिता किचलू मैडम जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए, और अगर आपको ये एपिसोड, ये कॉन्वर्सेशन पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए, और आपके दोस्तों को कुछ नए सीखने को मिलेंगे और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो धन्यवाद, और चलिए सुनते हैं आज का सामान्य ज्ञान। एंड टुडे आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट टू लेसर नोन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट हिंदी लैंग्वेज। नमिता मैडम जी तो एक आई ओपनिंग कॉन्वर्जेशन कर कर चुकी है हिंदी के बारे में, और मैं 2 चीज बताना चाहता हूँ कि संस्कृत का इन्फ्लुएंस इज द फर्स्ट वन, हिंदी संस्कृत का प्रभाव कैसा है, राइट? जबकि हिंदी आमतौर पर देवनागरी लिपि से जुड़ी है और अक्सर इसे संस्कृत का वंशज माना जाता है, इसने सदियों से फारसी, अरबी, तुर्की और पोर्चुगीज, अंग्रेजी और अन्य साहित्य विभिन्न भाषाओं की शब्दावली को भी अवशोषित किया है, और यह समृद्ध भाषाएं टेपिस्ट्री, मतलब लैंग्वेज टेपिस्ट्री, भारतीय उपमहाद्वीप मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बातचीत की दर्शाती है। और सेकंड फैक्ट इज अबाउट डायलेक्ट डाइवर्सिटी। अगर आपने नोटिस किए तो नमिता मैडम ने
बोली एक बात बोली थी कि लाइक द वे पीपल स्पीक हिंदी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंग्वेज, शी मेंशन्ड अबाउट इंडोर, राइट। इसके अलावा अगर हम विभिन्न स्टेट्स में गए तो लाइक यू विल फाइंड डिफरेंट डायलेक्ट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ टोन, डिफरेंट मॉड्यूलेशन, वो सब दिखता है। हिंदी एक अखंड भाषा नहीं है, बल्कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विविधताओं के साथ बोलियां की एक श्रृंखला है। उदाहरण के लिए दिल्ली में बोली जाने वाली हिंदी, उत्तर प्रदेश या बिहार में बोली जाने वाली हिंदी से उच्चारण, शब्दावली और यहाँ तक कि व्याकरण में भिन्न होता है। और यह विविधता भाषा में गहराई और जटिलता जोड़ती है। विभिन्न सामाजिक और भौगोलिक संदर्भों के माध्यम से इसकी अनुकूलन क्षमता और लचीलेपन को प्रदर्शित करती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको हिंदी भाषा के प्रामुख्यता के बारे में कुछ पता है तो, नहीं तो आप हिंदी भाषा की संरक्षण करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये एपिसोड YouTube में देख रहे तो वहां पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको एपिसोड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं मिले तो वहां पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्यूनिंग इन, और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशन है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgbhindi@gmail.com, मैं रिपीट करता हूँ tgbhindi@gmail.com, और मैं हूँ नवीन सामला, आपकी हम सफर। और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। दोस्तों सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। टेक केयर गाइस, थैंक यू।